इंटरनेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशन की अगर बात की जाए तो टॉप 5 लिस्ट में गोवा का नाम आता है। ज़्यादातर यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज से टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो कंट्रीज ज़्यादा ठंडे हैं, तो उनको यहाँ के बीचेस और सनलाइट हमेशा से अट्रैक्ट करती है। हर साल तकरीबन 75 लाख के करीब टूरिस्ट गोवा विजिट करते हैं, जो उनकी पॉपुलेशन से 5 गुना ज़्यादा है। नाइट लाइफ टूरिज्म, 7,000 से ज़्यादा बार्स, क्लब्स और मल्टीपल बीचेस की वजह से गोवा को ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है। पर ऐसे कुछ हिडन ट्रूथ्स भी हैं जो गोवा टूरिज्म को डिफेम कर रहे हैं। आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से गोवा इंडस्ट्री धीरे धीरे बदनाम होती जा रही है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिजॉर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस, वहाँ के फूड्स के बहुत ज़्यादा प्राइजेस होने की वजह से ये इंडस्ट्री धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होती जा रही है। अब ट्रैवलर्स उस गिनती में यहाँ नहीं पहुँच पा रहे जो हर साल यहाँ आया करते थे। गोवा स्टेट में ना तो कोई उबर है ना कोई ओला है। जितने भी ट्रैवलर्स वहाँ विजिट करते हैं वो सिर्फ वहाँ की लोकल टैक्सीज के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं और वो अपने मनमाने ढंग से चार्ज करते हैं। गोवा टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने चोट पहुंचाई है तो वो है ड्रग्स कल्चर। वहाँ की रेव पार्टीज और इल्लीगल जो वहाँ पर काम चलते हैं, वुमेन सेफ्टी वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न बन के उभरी है। क्योंकि हाल ही के कुछ महीनों में हमने ऐसी न्यूज़ सुनी है जिसमें वुमेन्स के साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि गोवा टूरिज़्म इंडस्ट्री धीरे धीरे अनफेमस होती जा रही है। ये हम सभी जानते हैं कि गोवा में काफ़ी बीचेस हैं, पर अगर मैं बीचेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो फेमस बीच है वो बाघा बीच है, जहां पर सूरज छुपने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड हमेशा बना रहता है और सुबह तक वहां पर पार्टीज़ और डिस्क ओपन रहते हैं। अगर मैं बाघा बीच को छोड़ दूं तो बाकी के बचे बीच जितने भी हैं, जैसे कि अंजुना बीच और कैलिंगट बीच, ये सूरज छुपने के बाद सेफ़ नहीं रहते हैं। कई फॉरेन टूरिस्ट के साथ वहाँ के बीचेस के ऊपर शाम ढलने के बाद क्राइमफुल एक्ट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारे देश का नाम खराब करता है और हमारी गोवा टूरिज्म इंडस्ट्री को खराब कर रहा है। इस क्रिसमस ईव पर अगर आप हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए गोवा को सिलेक्ट कर रहे हैं और आप अगर सोलो ट्रैवलर हैं, तो मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप वहां पर स्ट्रेंजर से थोड़ी दूरी बना के रखें और किसी एक अच्छी ट्रैवल कंपनी से टाई अप करके अपनी हॉलीडेज को वहां पर एंजॉय करें। क्योंकि हर जगह और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जितनी खूबसूरत ये स्टेट है, वैसे ही वहाँ की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जो आपको निराश कर सकती हैं। गोवा में जो मिडनाइट रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो सारी इल्लीगल हैं और वो अनऑथोराइज्ड ग्रुप्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं, वो भी एक ऐसी जगह के ऊपर जो लोगों में ज़्यादा फेमस नहीं होती है। सो जितने भी ट्रैवलर्स या टूरिस्ट वहाँ जाते हैं या जाएंगे, इन चीज़ों से उनको बचना चाहिए, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह होती हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइमफुल एक्ट्स होते हैं। Thank you.
कई बार आपको वहाँ पर ऐसे स्ट्रेंजर्स मिल जाते हैं जो आपको एक रेव पार्टी के लिए ऑफर करते हैं, सो इन तरह के स्ट्रेंजर से आप बचिए क्योंकि ये आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। इवन एट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो ब्रिटिश वुमेन गोवा ट्रैवल करना चाहती है वो अपना खास ख्याल रखे। Don't know.